सहारा मैरिज हॉल मुमरा का शानदार ओपन वेडिंग हॉल विथ नेचुरल एनवायरनमेंट है। चाहे आपकी शादी छोटी हो या बड़ी, हम आपके सपनों को हकीकत में बदल देंगे। इन हाउस डेकोर वीआईपी लाउंज के साथ एम्पल ऑफ पार्किंग, डेस्टिनेशन वेडिंग कॉटेज, गेस्ट रूम, स्विमिंग पूल जल्द ही अवेलेबल होने वाला है। वेरियस डिस्काउंट ऑफर, जरूरत के हिसाब से दोनों हॉल इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। इजी कनेक्टिविटी के साथ बेस्ट कैटरिंग सर्विस, फुल फ्लेज मैरिज हॉल विथ एट्रैक्टिव पैकेज के साथ जो आपके बजट में, सहारा मैरिज हॉल। रमजान में कहीं ना कहीं शहर में और ट्रैफिक बढ़ जाती है, लेकिन 100 में से 50 लोग गलती करते हैं तो कार्रवाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है। पूरे रोड पे दुकान लगा, उन पर कार्रवाई करके रोड को क्यों नहीं साफ किया जाता? साफ जैसे आप उतरे थे ना रोड पे, आपके हाथ में माइक था, आपके हाथ में डंडा था, आपके हाथ में पेन थी साहब, अगर पेन ना होना साहब तो पेन मेरी यूज कर लीजिए आप। ऐसी पार्किंग मत करो कि ट्रैफिक प्रॉब्लम हो। रोड पे बाइक पार्क कर देते हैं, कार पार्क कर देते हैं, टेम्पू खड़ा कर देते हैं रोड के ऊपर, कैसा रॉन्ग साइड जाते हैं, ट्रिपल सीट जाते हैं। तो आप लोगों ने पार्किंग जोन दिया नहीं, ऊपर से कार्रवाई के लिए जो है जामर दे रहे हैं। जब किसी को एम्बुलेंस से जाना रहेगा तो क्या करेंगे? हेलमेट डालते नहीं, लोगों में अवेयरनेस होना चाहिए ना। आज से ही कार्रवाई पूरा हटा देंगे। और 50 जामर देने का शमीम खान आज फिर ऐलान करता है, अभी और दोगे? 50 जामर और दूंगा। और इधर पीला पट्टा कहाँ पे है? गुलाब पार्क पे। मनपा की तरफ से आप लोगों को कहा गया था ना ओपन जोन जी, तो ऐसे कब तक बैठे रहोगे? जिंदगी भर बैठे रहोगे? 2 मिनट खाली खड़ा करता है दवा लेने के लिए, गाड़ी गायब हो जाती है। गलत है कि नहीं? कॉर्पोरेशन की तरह से आप पर जो ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। चलो सैटरडे और संडे आप एक एक घंटा क्रॉस नहीं कर सकते, उनको नोटिस दीजिए सर। आप नहीं दिए। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा शहर में ट्रैफिक की काफ़ी समस्या है और ट्रैफिक जाम होने की वजह से जो है अक्सर कुछ लोग रोंग जाते हैं, और रोंग जर्नी की वजह एक और भी बताई जा रही है कि जो कट है रोड के बीच में डिवाइडर में एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए, वो काफ़ी दूर दूर पर कट है, इसकी वजह से जो है काफ़ी लोग जो है रॉन्ग चलते हैं। आज ट्रैफिक विभाग के सीनियर जो है सुरेश खेड़ेकर साहब और एनसीपी के कलवामुरा विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान और मनपा के जो अधिकारी हैं यहाँ के प्रभाग समिति के बालू पीचर साहब, वो है यहाँ पर। आज इन लोगों ने दौरा किया, जिन्हीं से बात करनी है। शमीम भाई पहले आप बताइए, आप जो है ट्रैफिक विभाग के जो अधिकारी हैं, मनपा के अधिकारी हैं, इनको लेकर आप गुलाब पार्क मार्केट से लेकर तनवर तक जो है विजिट कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं कई दिनों से। जफर नोमानी साहब जो हमारे यहाँ के एक्स नगर सेवक हैं, और नेहा नाइक साहबा कई दिनों से कह रहे थे कि भाई एक विजिट होना चाहिए खेड़कर साहब को लेकर के और बालू पिंजर साहब को लेकर के। दो विषय था उसका, एक तो जो वो अमृत नगर में जो रेलिंग लगी हुई है वहाँ पे बहुत सारी ये वहाँ के मुकामी नगर सेवक हैं, तो इन्हें कंप्लेन आती है लोगों की, कम से कम अगर आगे जाना है वहाँ से लोगों को यहाँ आना है तो कभी बाइक निकल जाना है, ऐसा लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा जफर भाई, जिसको लेकर के जफर भाई की ये मांग थी नेहा मैडम की कि ये रेलिंग को थोड़ा सा खोल दिया जाए। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ खेड़कर साहब का और बालू पिंजर साहब का कि उन्होंने इसके लिए कह दिया है कि हाँ उसको थोड़ा सा उसको स्पेस दे देंगे, तो वो हो जाना चाहिए, एक अच्छी बात है। सेकंड बात यह है कि कुछ ही वक्त के अंदर रमज़ान हमारे बीच है, और रमज़ान में कहीं ना कहीं शहर में और ट्रैफिक बढ़ जाती है, तो इसकी इसको फिक्र में रखते हुए आज हम सब लोग एमसी साहब के साथ, हमारे तमाम साथी रफीक चाचू, जावेद मेडिकल और रिजवान भाई, इरशाद भाई, जफर भाई, नेहा मैडम और तब तमाम लोग, कफील भाई, सब लोग यहाँ मौजूद हैं, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ खेड़कर साहब का और बालू पिंजर साहब का। लेकिन मैं साहब आपसे कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपको अपनी उस पुरानी स्टाइल में साहब, जैसे आप उतरे थे ना रोड पे, आपके हाथ में माइक था, आपके हाथ में डंडा था, आपके हाथ में पेन थी साहब, अगर पेन ना होना साहब तो पेन मेरी यूज़ कर लीजिए आप। लेकिन साहब इस पेन से ना साहब आप काम कीजिए, मजाक नहीं करो साहब, सही बात है, आप पेन से यूज़ कीजिए साहब, आप यहाँ के एक ट्रैफिक के सीनियर इंचार्ज हैं साहब, आपके दहशत लोगों में होना चाहिए। आज रिक्शा वाले लीगल तरीके से लाके रिक्शा, कहाँ कहाँ का कट खोला जाएगा? मैं देखिए कट खोलने की बात जो बात हुई है वो जो अमृत नगर में जो नसीम दरगाह के सामने जो जफर भाई के वार्ड में जाता है वहाँ पे जफर भाई ने और नेहा मैडम ने ऐसा मांग किया है कि वो कट को थोड़ा सा ओपन कर दिया जाए, जिससे दरगाह शरीफ पे आने जाने के लिए लोगों को आसानी पैदा हो जाए या ट्रैफिक में भी और कंट्रोल हो जाए, ऐसा इन्होंने अपना पर्याय दिया है। उसके लिए साहब लोगों ने एस किया, उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं शहर को
कि जिस तरीके से लोग लाके इलीगल रोड पे बाइक पार्क कर देते हैं, कार पार्क कर देते हैं, टेम्पो खड़ा कर देते हैं, ऐसा थोड़ा इस पर एहतियात करें। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द पार्किंग जोन भी हो जाएगा, उसकी प्लानिंग चल रही है हम लोगों की, एसीपी मैडम खुद प्लानिंग कर रही हैं उसकी, हो जाएगा वो भी। लेकिन जब तक थोड़ा हम लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए तो जाकर के हमारा शहर और हमारी जो ट्रैफिक फ्री मुमरा को हमारी प्लानिंग है वो इंशाल्लाह ताला वहाँ हमें कामयाबी मिलेगी। आपने जामर दिया था ट्रैफिक विभाग को, 50 वोट देने वाला हूँ, तो उस पर जो है अपोजिशन के लोग सवाल उठा रहे हैं कि एक तो आप लोगों ने पार्किंग जोन दिया नहीं, ऊपर से कार्रवाई के लिए जो है जामर दे रहे हैं, और ये भी पता लगा है वो लोग कि शायद जो जिसको जामर दिया गया जो कॉन्ट्रेक्टर है क्या है वो आपके जो है जान पहचान में। इस्लामुद्दीन भाई, ऐसा इल्ज़ाम लगाना तो सबको आता है, उतर के काम करना ये जो लोग खड़े हैं इन्हीं को आता है। रही बात उनकी, आप जिनकी बात करते हो उनको ये तो बोलो कि कभी वो ला करके एक जामर तो दे दें सीनियर इंचार्ज साहब के पास। ये शमीम खान ने वो कहा है जो जिससे डिसिप्लिन बनता है, जिससे मुंबई महाराष्ट्र चलता है, अगर वो मुमरा भी उसी कैटेगरी के अंदर आ जाए कि वहाँ पे लोग वो पार्किंग में ध्यान दें तो क्या गलत है इसके अंदर? डिसिप्लिन को पैदा करना गलत है, सिस्टम में लाना गलत है। ऐसे ही शहर में ला के रिक्शा और कार पार्क कर दोगे, कल किसी को एम्बुलेंस से जाना रहेगा तो क्या करेंगे? कैसे लोग अपने पहुंचेंगे हॉस्पिटल, कैसे लोग पहुंचेंगे अपने शादी ब्याह में, कैसे लोग पहुंचेंगे किसी के गमी खुशी के अंदर? ये सब इल्ज़ाम लगाना बोलो बंद करो। उनको बोलो कि शमीम खान और उनके साथी जैसे जफर नोमानी, नेहा नाइक और हमारे तमाम साथी रफीक चाचू, जावेद मेडिकल यहाँ खड़े हुए हैं, रिजवान शेख, इरशाद भाई, ऐसे आओ उतर करके बालू पीचर साहब के साथ और खेड़ेकर साहब के साथ जरा 10 कदम चलो, तब मैं समझूं कि आपको शहर की फिक्र है। और रही बात शमीम खान की, तो मेरा और मेरे साथियों का मनोबल ऐसा कोई डाउन नहीं कर सकता है। ये तुम्हारी गलतफहमी है, इससे अच्छा काम करेंगे वो ट्रैफिक को लेकर के। और 50 जामर देने का शमीम खान आज फिर ऐलान करता है, अभी और दोगे? 50 जामर और दूंगा। और जो कहते हैं ना कि कॉन्ट्रेक्टर, उसको लाके मेरे सामने खड़ा कर दे कि ये कॉन्ट्रेक्टर ने आपको जामर दिया है, तो जो वो कहेंगे उसको शमीम खान मानने के लिए तैयार है। खेड़कर साहब, ट्रैफिक विभाग में जिस तरह से कार्रवाई हो रही है अभी टोचन द्वारा, इस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि जो अलग लाइन में खड़ी रहती है सिंगल लाइन में उसको भी उठाया। सुनिए, पार्किंग जोन नहीं है, फिर भी मैं पब्लिक को और जो जाने आने वाले जो पार्किंग करते हैं उनको बोला कि सिंगल पार्किंग करो, ऐसी पार्किंग मत करो कि ट्रैफिक को थोड़ा प्रॉब्लम हो। सिंगल पार्किंग को तो परमिशन दिए। मैं तो अलमास कॉलोनी से शिमला पार्क तो इतना कंजेस्टेड रोड है कि वहाँ शाम को ट्रैफिक जाम होते, फिर भी उधर सिंगल पार्किंग जो मोटरसाइकिल होती है, कार होती है, मैं उठाता नहीं, उनको कार्रवाई नहीं करता, क्योंकि मैंने खुद बोला है सिंगल पार्किंग। तो हमारे लोग उधर जाके ट्रैफिक रेगुलेशन करते हैं अलमास कॉलोनी से शिमला तक। आपको मालूम है कि अलमास कॉलोनी से और शिमला पार्क तक बहुत रोड कंजेस्टेड है, तो कंजेस्टेड रोड से वजह से ट्रैफिक जाम होता है। इधर ठीक है, थोड़ा सा अमृत नगर में और अलमास कॉलोनी के आगे भी ट्रैफिक जाम होता है, तो लोगों में अवेयरनेस भी आना चाहिए कि रोड के ऊपर कैसा रॉन्ग साइड जाते हैं, ट्रिपल सीट जाते हैं, हेलमेट डालते नहीं, लोगों में अवेयरनेस होना चाहिए ना। 100 में से अगर 50 लोग गलती करे तो उनके ऊपर कार्रवाई करें, 100 में से 5 लोग गलती करे तो 5 लोगों के ऊपर कार्रवाई करना बहुत ईजी होता है, लेकिन 100 में से 50 लोग गलती करते हैं तो कार्रवाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और बहुत आप ये पार्किंग जोन हम लेटर लिखते हैं, पार्किंग जोन कॉरपोरेशन करती है, हम नहीं पार्किंग जोन करते, पार्किंग जोन हम सर्वे करते हैं, एक साथ सर्वे करके डिसीजन लेते हैं, और डिसीजन लेने के बाद ये बहुत पुरानी मांग है पार्किंग जोन ये वो। भाई पार्किंग जोन दिया नहीं इसका मतलब कैसी भी गाड़ी लगाने, ये अर्थ नहीं होता ना। पार्किंग जोन नहीं दिया तो सिंगल पार्किंग है ना, आपको सिंगल पार्किंग लगा करो ना, सिंगल पार्किंग जैसी गाड़ी ऐसा मत खड़ा करो कि लोगों को तकलीफ हो, आने जाने के लिए तकलीफ हो, ऐसा गाड़ी मत खड़ा करो ना। तो भी सिंगल पार्किंग गाड़ी उठाता ही नहीं, मैं लोगों क्रेन को बुलाए है, जापर वालों को बुलाए है कि सिंगल पार्किंग उसको हाथ मत लगाओ, तो पार्किंग जोन ही ठीक है। ओके, मनपा के अधिकारी हैं बालू पिक्चर साहब, आप लोग भी ट्रैफिक नियंत्रण करने के लिए विजिट कर रहे हैं यहाँ पर, और जो है ऐसा सवाल उठाया जा रहा है कि जो ट्रैफिक विभाग जो है कार्रवाई करती है गाड़ियों पर, लेकिन रोड पर जो है एक तरफ पूरी मार्केट लगी हुई है, उससे भी ट्रैफिक जाम हो रही है। तो अगर ये एक आदमी अगर 10 मिनट के लिए गाड़ी खड़ा कर रहा है उस पर कार्रवाई हो रही है, तो जो घंटों पूरा दिन रात दिन 24 घंटा पूरे रोड पर दुकान लगा उन पर कार्रवाई करके रोड को क्यों नहीं साफ किया जाता, ऐसा लोग सवाल उठा रहे हैं।
अभी जो आपको तो पता है गुलाम मार्केट इतने सालों से बसा हुआ है, उन्होंने आगे रेलिंग भी अभी लगा दिए है, उसके आगे ट्रैफिक नहीं होएगा, गाड़ी खड़ी नहीं होएगी, उसका सब जिम्मेदारी उन्होंने ले लिया है जो इर्शाद भाई है यूनियन के। तो लास्ट टाइम अपन एक डेढ़ महीना पहले अपन का 8 दिन पूरा कार्रवाई किए थे, उसके आगे का जो फॉकर्स है उनके ऊपर सबके ऊपर कार्रवाई किए थे, लेकिन फिर से मुद्दा ऐसा सामने आया कि बाकी लोग जो है हॉकर्स उनको परमिशन दिया जाता है, हम लोग को क्यों नहीं दिया जाता है। तो फिर सब लोगों ने जब रिक्वेस्ट किया तो अपन जो पीला पट्टा मार के दिए थे उनको बोला था, जो भी यूनियन के पदाधिकारी है आगे वाले उनको भी बोल दिया था कि जो पीला पट्टा मारा हुआ है उसके पीछे ही बैठो, आगे कोई आएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, और अब ये अपन कार्रवाई तो करते ही है, तो उसकी जवाबदारी उनके ऊपर ही, अगर वो उनसे नहीं कंट्रोल होता तो लोग ऐसा सवाल उठा रहे हैं कि ठाणे महानगर पालिका को हॉकर जोन जो है हॉकर के लिए मुहैया कराना चाहिए, ना कि रोड पे बैठाना चाहिए। आप परमिशन बोल रहे हैं तो रोड पे बैठने का परमिशन होता है क्या? टेम्पररी परमिशन दिया हुआ है, जब तक हॉकर्स का जो जोन हॉकर जोन है जब तक होता नहीं है तब तक उनको जो है तो पीला पट्टा मार के दिया हुआ है टेम्पररी बेसिस पे, तो वहाँ धंधा करने का उनको टेम्पररी बेसिस पे परवानगी दिया हुआ है। साहब अगर वो नहीं मानते ही नहीं है, नहीं तो हम लोग नया पट्टा मार के देना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम लोग पूरा शाम से कार्रवाई चालू करते हैं, फिर से कोई आएगा रिक्वेस्ट करेगा तो भी हम लोग नहीं मानेंगे। फिर उन लोग का कोई फिक्स पट्टा है ही नहीं, एक नया पट्टा मार के दो उनको, उसके अंदर डालो जब तक का मार्केट नहीं बनता तब तक। नहीं यहाँ पे नया पट्टा मारने के लिए जगह है किधर हमने पास? है ना साहब, मैं बताता हूं तुमको, व्हाइट पट्टा जो है पीला पट्टा है, जब इसके पहले भी जो मनपा अधिकारी थे उन लोगों ने पीले पट्टे के पीछे दिया था तादाद ज्यादा है, तो पीले के बावजूद बाहर भी आ जाए कॉर्पोरेशन के ऊपर अगर ऐसा आरोप हो रहे तो हम लोग आज से ही कार्रवाई पूरा हटा देंगे पूरा। और यूनियन भी किसी बोले को, किसी कि हटाता हाँ। बाद में चार लाइन लगती, कोई नहीं हटाता किसी को, हम लोग रोज पीला पट्टा पिक्चर साहब, पीला पट्टा जो यहाँ से वहाँ पर है ना, लोग ये बोल रहे हैं पीला पट्टा यहाँ नईम खान के बंगले से लेकर आगे है पीला पट्टा, और इधर पीला पट्टा कहाँ पे है? गुलाब पार्क पे, यहाँ पे जो लास्ट यहाँ पे जो दिया हुआ है उनको बाका था, जो पहले के सहायक आयुक्त थे उन्होंने लेटर दिया था, जब तक हॉकर्स का ये मार्केट होता नहीं है तब तक उनको लेटर दिया हुआ है बैठने के लिए। कुछ अनुमान है कब तक उनको हॉकर जोन मिलेगा? हॉकर्स का अभी वो टीडीओ से चालू है हॉकर जोन, उनका मनपा की तरफ से आप लोगों को कहा गया था ना हॉकर जोन में जी, तो ऐसे कब तक बैठे रहोगे, जिंदगी भर बैठे? अब जब तक नहीं देंगे जब तक बैठे रहेंगे, हॉकर जोन जिस दिन मिल जाए उस दिन हम चले जाएंगे। एक बहुत बड़ा मुद्दा है पीछे साहब, पूरे रोड पे जो हॉकर्स बैठे हैं, या तो फिर ऐसा लग रहा है कि जो ये हमेशा ही बैठे रह जाएंगे, एक मिनट दो मिनट जो बैठता है गाड़ी खड़ा करता है, गाड़ी खड़ा किया दवा लेने गया, गाड़ी उठ के चली गई ट्रैफिक विभाग पे, 700 रुपये अब 200 रुपये का दवा लिया, 500 रुपये आदमी काम किया दिन में तो 200 रुपये का दवा लिया, 400-500 रुपये वहाँ ट्रैफिक विभाग पे भर के आया, दो मिनट खाली खड़ा करता है दवा लेने के लिए, गाड़ी गायब हो जाती है, और 24 घंटा रात दिन मार्केट रोड पर सजी रहती है। कॉर्पोरेशन के गलत है कि नहीं? कॉर्पोरेशन की तरह से आकर जो ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। चलो अभी आज जो मुद्दा मुद्दा तो यही है ना? नहीं नहीं, आज एक्चुअली आज का जो मुद्दा ये था कि जो हमारी यहाँ से जुड़ा ही मुद्दा, सर सुनिए ना, पहली बात आप जो बात समझ लीजिए बोल लीजिए, यहाँ से एक रास्ता जाकर के अमृत नगर सिग्नल के आगे वो खुलेगा, वो एक खोल दीजिए ना, वहाँ भी खुलेगा ना, तो अमृत नगर से भी लोग निकलेंगे, इधर निकलेंगे। नहीं ना, क्यों नहीं, वहीं से पहले वहीं से जाते तो ये जो लोग यहाँ से वहाँ तक रॉन्ग जाते हैं ना, हमारी डिमांड ये थी कि दरगाह गली के सामने का जो कट है उसको ओपन कर दिया जाए। देखो अभी ये रॉन्ग जा रहे हैं, देखिए आप ये रॉन्ग कहाँ तक जाएंगे मालूम है? ये शादी महल शरीफा रोड मुबरा इंग्लिश स्कूल तक रॉन्ग जाएंगे, वो ओपन हो जाएगा तो तीनों गलियों में लोग जो रॉन्ग जाते हैं ना, यहाँ से रोज शाम में ना लड़ाई झगड़े होते हैं, कोई ना कोई रॉन्ग जाता है, टच हो जाता है, मार्केट का एरिया है, इसके लिए हमने ये डिमांड की थी कि उसको ओपन कर दिया जाए ताकि ट्रैफिक का मसला दूर हो। दूसरी हमारी एक डिमांड ये है कि वाई जंक्शन के आगे जो ब्रिज है जो खड़ी रोड को रास्ता जाता है, वहाँ पर हॉल इतने ज़्यादा हैं कि वहाँ पर एक भी हॉल वाला वॉलेंटियर नहीं खड़ा करता, वो पूरा ट्रैफिक जाम रहता है, अलमास कॉलोनी से लेकर के शिमला पार्क के कॉर्नर तक। सर जितने भी शादी के हॉल हैं खड़ी रोड पर और यहाँ से लेकर के वाई जंक्शन तक, सैटरडे और संडे आप एक एक घंटा क्रॉस नहीं कर सकते, उनको नोटिस दीजिए सर। आप नहीं दिए नोटिस स्वामी, उनको वॉलेंटियर खड़ा कर दिया। CRPC 149 के तहत
जितने भी ईडियो वाले और गैरेज वाले उनको नोटिस दिया है। अभी क्या करेंगे, सीनियर साहब को बोलेंगे, वो कोलटकर साहब, और उनके ऊपर क्राइम रजिस्टर करना पड़ेगा। सही है, क्योंकि 149 नोटिस दिया, उन्होंने अपना वार्डन रखना चाहिए, और जो गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था है उन्होंने खुद की करनी चाहिए, रोड के ऊपर नहीं। रोड कारपोरेशन का है, पब्लिक का है, वो यूज़ नहीं करना चाहिए। मैं बार बार उनको सूचना दे के आया, मैं बार बार सूचना देता हूँ। वेडिंग हॉल यहाँ का खास करके शिमला हॉल और खरड़ी रोड का, खरड़ी रोड और शिमला हॉल, यहाँ के जो वेडिंग हॉल इतना ट्रैफिक जाम करते हैं, बहुत तकलीफ होता है हमको जिस दिन। और उन्होंने वो ये भी लिख दिया है, और ये भी लिख दिया है और बोला है उनको कि आप जिस दिन तुम्हारा शादी होगा उस दिन 24 घंटा पहले हमको लेटर दो, ये देना चाहिए, मालूम मत देना चाहिए, लेटर से दो या मुँह से दो, देना चाहिए, यही बोला है हमको। तो आपने सुना कि आज जो है मनपा अधिकारी, ट्रैफिक विभाग और एनसीपी के जो नेता थे तमीम खान, वो निकले थे विजिट करने के लिए। ऐसी मांग है कि जो अमृत नगर दरगाह गेट है वहाँ पर भी एक कट था, उसे खोला जाए। इसी तरह से और भी जो कट है जहाँ पर ज़रूरत हो वो कट खोले जाए, क्योंकि ट्रैफिक का इशू मुंब्रा शहर में काफ़ी दिनों से है। ये अलग बात है कि ट्रैफिक विभाग, मनपा अधिकारी कई बार महीने, दो महीने, साल में मीटिंग करते रहते हैं कि कैसे हल किया जाए, लेकिन नतीजा इसका कुछ निकल कर आता नहीं। और इसी तरह से आज फिर जो है मनपा अधिकारी, ट्रैफिक विभाग और एनसीपी नेता सड़कों पर निकलकर जो है भ्रमण कर रहे थे कि ट्रैफिक कंट्रोल करना है, देखते हैं कितनी कंट्रोल होती है।